subscribe to our channel SinTV HD Cooking Show and press the bell icon for the latest updates. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां शेफ फैसल तां डी सब कुकिंग शो में त सब खैरियत सां हूंदा आहिनि। जेके रेसिपीज़ ठाहिण पिया तमामु मज़ेदार शारजा कुकिंग ऑयल सां गॾु वाइटमिन ए ऐं डी खां भरपूर, लो कोलेस्ट्रॉल ऐं ओमेगा 3 मौजूदु आहे, हर जॻह अवेलेबल आहे। एनएक्स असां सां गॾु आहे। एनएक्स जी बहितरीन प्रोडक्ट आहे जेको हर घर में हर अधीन जी ज़रूरत आहे, जंहिंमें जूसर, ब्लेंडर, चॉपर, हर शइ, हैंड बीटर वग़ैरह जेको आहे तव्हांखे ज़रूरत हूंदी। अॼु मां रेसिपी ठाहियां पियो चिकन लज़ीज़। चिकन लज़ीज़ तमामु मज़ेदार इहा रेसिपी आहे। चिकन जी भाॼी ठहंदी, हुन सां गॾु स्क्वैश मां तव्हांखे ठाहिणु सेखारियूं, ड्रिंक्स ठाहिणु सेखारियूं। अॼु मां लेमन स्क्वैश ठाहियां पियो, मैंगो स्क्वैश ठाहियो, ॿिया बि काफ़ी सारी ड्रिंक्स ठाहियूं। लेमन स्क्वैश तव्हां 6 महीननि ताईं रखी सघो था बोतल में प्रिज़र्व करे, तमामु बहितरीन रेसिपी। सुभाणे 12 वॻे रिपीट हलंदियूं। कुकिंग विद शेफ सां मुंहिंजो पेज आहे, उते रेसिपी अपलोड थींदी आहे, स्क्रीन ते नंबर हलंदो आहे। का बि फरमाइश करण जी कोई पुछणो हुजे, कॉल करे पुछी सघो था। आज की जो हम रेसिपी बना रहे हैं शारजा कुकिंग ऑयल के साथ, वाइटामिन ए यू डी से भरपूर, लो कोलेस्ट्रॉल है, ओमेगा 3 मौजूद है। चिकन लजीज़ बना रहा हूँ, मज़ेदार रेसिपी है चिकन की, और इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है। और स्क्वैश मैंने आपको बनाना सिखाए थे डिफरेंट किस्म के, आज लेमन स्क्वैश बना रहे हैं। इसको भी आप प्रिजर्व करके आप 6 मंथ तक रख सकती हैं बॉटल में। और मज़ेदार ये रेसिपीज़ कल 12 बजे रिपीट चलेंगी। कुकिंग विद शेफ से मेरा पेज है, वहाँ मैसेजेस कर सकते हैं, रेसिपी अपलोड हो जाती है और स्क्रीन पर नंबर चल रहा है। कोई भी फरमाइश करनी हो, कुछ पूछना, आप पूछ सकते हैं। किचन में चलते हैं और रेसिपी स्टार्ट करेंगे। रेसिपी में असांजी छा है, अॼु आहे लेमन स्क्वैश ऐं हुन सां गॾु आहे चिकन लज़ीज़। चिकन लज़ीज़ हिकु तमामु बहितरीन डिश आहे। लेमन स्क्वैश पहिरीं स्टार्ट कयूं था। लेमन स्क्वैश ठहंदो त थधो थींदो त पोइ असांजी ड्रिंक बि ठाहींदासीं, ठीकु आहे। लेमन स्क्वैश पहिले स्टार्ट करते हैं, क्योंकि लेमन स्क्वैश जब हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें हमने क्या क्या चीज़ें लेनी वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। लेमन स्क्वैश के लिए हमने लेनी है चीनी 1/2 kg, और 1 कप हमने लेना है लेमन का जूस, और 1 कप लेना है पानी, ठीक है। लेमन स्क्वैश ठहे पियो, हिन लाइ खंडु खणंदासीं 1/2 kg, 1 कप असां खणंदासीं पाणी, ऐं 1 कप लीमे जो रस वेंदो, ठीकु आहे। पतीलो या कढ़ाई गरम कंदासीं, हिन में विझंदासीं 1 कप पाणी, मापे विझिजो, मां अंदाज़े सां विझां पियो। 1 कप पाणी ले लिया, ठीक है। 1/2 kg में चली जाएगी चीनी, लेमन स्क्वैश बन रहा है, ठीक है। 1/2 kg चीनी, 1 कप पानी, अगर 1 kg चीनी है तो 2 कप पानी जाएगा। इसको हमने अच्छी तरह डिसॉल्व करना है, हल्की आंच पे बनाना है अपने लेमन स्क्वैश। इसके बाद हम चिकन पे आएंगे, क्योंकि ये बनता रहेगा, फिर इसको ठंडा करके ड्रिंक भी बनानी है तो पहले ही बनाते हैं, ठीक है। मैंगो स्क्वैश बनाना सिखाया था, केरी का शरबत बनाना सिखाया था, और भी ड्रिंक्स बनाना सिखाई थी डिफरेंट फ्रूट्स की। लेमन स्क्वैश बहुत ही ज़बरदस्त है। गेस्ट आते हैं घर में, गर्मी है, वाइटामिन सी है, बच्चों को भी दें, खुद भी पिएं, बहुत ही मज़ेदार ये ड्रिंक बनती है। और हम जब बाहर से बॉटल लेते हैं तो ये सस्ते में आप जी, तो ये हम इसको अच्छी तरह डिसॉल्व करेंगे पहले चीनी को और पानी को। 1 कप पानी, 1/2 kg खंड, यानी कि चंगी तरह मिक्स कंदासीं। खंड जॾहिं सफ़ा हिन में डिसॉल्व थी वेंदी, सफ़ा मिक्स थी वेंदी, पोइ हिन जे अंदरि विझंदासीं लीमे जा 2 स्लाइस। लेमन के 2 स्लाइस डालेंगे, इस तरह लेमन के 2 स्लाइस बना दें, ठीक है। 2 स्लाइस मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। 2 स्लाइस लेमन के चले गए ये डाल के, और इसको फिर अब पकाते रहें। जब आपको लगेगा ये बिल्कुल शीरा सा बनना शुरू हो गया, थोड़ा सा पानी डालूँगा, मुझे कम लग रहा है, 2 टेबल स्पून और डालूँगा। आपने पूरा 1 कप डालना है, ठीक है, 1 कप पानी डालना है। ये 5 से 6 मिनट में पूरा हो जाएगा तैयार, ठीक है। लीमे जो स्लाइस विझण जो मकसद छा आहे, कि हिन खां लीमे जे स्लाइस खां में फ्लेवर इलाही सुठो ईंदो आहे, खंडु जेका हूंदी आहे उहो क्लियर बि थी वेंदी आहे, ठीकु आहे। लेमन के स्लाइस इसमें 2 डालने का मकसद ये था, चीनी में क्लियरेंस आ जाती है, ट्रांसपेरेंसी आ जाती है, चीनी क्लियर हो जाती है। 1/2 kg चीनी है, 1 कप भर के पानी डाल दिया है, उसको 2 लेमन के स्लाइस डालने, 2 मिनट बाद डालिएगा जब चीनी डिजॉल्व होने लगेगी, अच्छा। ये अब हमारा शीरा तैयार हो जाएगा, जब बिल्कुल आप देखेंगे चीनी आपकी डिसॉल्व हो जाए, इसका दाना ख़त्म हो जाए, फिर हम इसमें डालेंगे 1 कप से थोड़ा कम, 1 किलो चीनी में 1.5 कप जाता है जूस, ये 1/4 कप है, ठीक है। 1/4 कप जो होंदो आहे 1/4 कप, यानी 1 हिस्सो 1 कप में घटि करे वठिजो,
ठीक है मुन्नो कप यो विझंदासीं हिन में लीमे जो रस हाणे तव्हां ॾिसंदो हिते हे शीरो तयार थी वियो आहे खंड सफ़ा डिज़ोल्व थी आहे बॉइलिंग अचे पई अब इसमें डाल देंगे लेमन जूस एक कप पूरा एक कप से थोड़ा सा कम दो तीन टेबल स्पून चार टेबल स्पून आपने कम डालना है लेमन जूस फ्रेश निकाल के लेमन का जूस आपने डालना है छान के ठीक है उसमें रेशा नहीं होना चाहिए इसको छान लीजिएगा अगर बुरादा आ रहा है रेशा आ रहा है इसको हल्की आंच पे 5 से 6 मिनट पकाना है और ये हमारा हो जाएगा लेमन स्क्वैश तैयार तकरीबन 12 मिनट में ये रेसिपी हमारी तैयार हो जाती है ठीक है अब इसको हल्की आंच पे पकाते रहेंगे ताकि लेमन इसके साथ पक जाए अच्छा सा कच्चापन जो लेमन का होता है वो ख़त्म हो जाए सीड्स वगैरह सब निकाल लीजिएगा अभी रुक जाए ब्रेक में लूँगा आपसे अच्छी सी इसकी खुशबू आ रही है लेमन स्क्वैश की इसके बाद हम बनाएंगे चिकन खास ठीक है चंगी जी खुशबू अचे पई बस ये बिल्कुल तैयार पियो थी है हाँ कंदी जैसे तैयार थी वो इनके कढ़ी वी थदो करे पर एकड़ी बोतल हुए शीशे जी उनमें भरी वो या शीशे के प्याले में भी विची रखी सो जैसे भी तक ठाण हों 5 खाने जा चमचा लेमन स्क्वैश गिलास में विझो थदे पानी में उनमें बर्फ़ विझो मथा थदो पानी विझो कारो लूण कारा मिर्च वो तुम सामू में ठाईद वो भी विझी सोता सिर्फ कारो लूण भी विझी सोता ब ड्रिंक ठाईदम एक पुदने से गुंदम जिनमें अस वाइट सोडा भी विझासी एक ड्रिंक असासी कारे मिर्चन से ठीक है दो तरह की मैं ड्रिंक्स बनाऊँगा इसमें से एक हम बनाएंगे पुदीना के साथ ठीक है और मार्गरेटा कहते हैं उसको और दूसरी हम बनाएंगे लेमन ब्लैक पेपर के साथ बहुत ही मज़ेदार दोनों ड्रिंक्स बनेंगे अब इसमें आप देखेंगे बॉइलिंग सी आ रही है वाइटनेस आ रही है कॉल बैठू था अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम कह रहे हैं कितना गला प्या जी हेल्पर मां कर रहा हूं राम बच्चा भी गला है जी कुछ चैन चाहिए दो हेलो जी टीवी जो ठाकर खायो आज शॉमिस थी वो ता टीवी जो वॉल्यूम बंद करे पो गला है जो मुसा मैं होल्ड किया तो जी पहले टीवी जो वॉल्यूम बंद कर अब एक कमरे में वनो पो गला है जो छाकर तो लाइन डिस्टर्ब थे पे मुके समझ ना पे चेतन जी बस ठीक है जी जी बंद करवा हां हाने बताया छा पे छो लेमन स्क्वैश टाइप है और चिकन खास ठंडी रेसिपी है हाँ नोट का जो मैं रिपीट कराई दो आपको ठीक है हिंसर लेमन स्क्वैश टाइप हो ओके जी अल्लाह हाफिज जी जी हेलो यो पूछ रहा जी यो पूछ रहा ताई को तेल लग जो ना वारन लाए हाँ हाँ वो दांजो का पहले में इंसान खाया हूँ पान यूज़ करे तो सगे जी तो वो तो रिपीट करा जो ठीक है रिपीट कराए बैठना से ठीक है थैंक यू अल्लाह हाफिज वेलकम अल्लाह हाफिज ये देखिए इसमें बॉइलिंग आ रही है अब इसका कलर पहले चीनी आपको लग रहा होगा शीरा होता है वो चिपकना शुरू हो जाता है ठीक है पतीले पे अब लेमन जूस गया इसमें बॉइलिंग आएगी 12 मिनट में रेसिपी में तैयार हो जाती है 5-6 मिनट 8 मिनट तक इसको हमने बॉयल करना है ठीक है जैसे बॉयल थे वो ही ज़बरदस्त किस्म जो असो स्क्वैश तैयार पे थे बॉयल करणो है चंगी तरह जो इनके बॉयल कर सुनो फ्लेवर थो लेमन की जो खटास होंगी है जो गलो खराब कहती है या तक लगे कि गलो खराब थो वो कौन थो इनमें बॉयलिंग अची हुई है ठीक है अच्छी सी इसमें बॉयलिंग आ गई है इसको मजीद पका रहा हूँ दोबारा बता रहा हूँ लेमन स्क्वैश बन रहा है लेमन स्क्वैश के लिए हमने 1/2 kg चीनी ली है उसमें डाल देना है 1 कप पानी और उसको डिजॉल्व करें हल्की आँच पर चीनी का दाना ख़त्म होने लगेगा 2 स्लाइस लेमन के डाल दें साथ ही पकता रहेगा जब शीरा सा तैयार हो जाएगा उसके बाद हल्की आंच पे ठीक है उसके बाद आपने 1/4 कप लेमन का जूस डालना है फ्रेश लेमन का जूस निकाल के 1/4 कप आपने इसमें डालना है इसको पकाते रहें स्पून चलाते रहें अब ये देखिए इसमें बॉयलिंग आ रही है बिल्कुल झाग सी बन रही है इसको 12 मिनट में ये तैयार करना है उसको पकाते पकाते ही आप देखें खुद ही इसका लुक चेंज हो गया इसका कलर भी लेमन शेड में आ गया फिर इसको निकाल के ठंडा करेंगे बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर आएगा बोतल में भर के आप इसको प्रिजर्व कर 6 महीने तक आप रख सकती हैं अगर ज़्यादा बनाना है तो उस हिसाब से वरना ये तो 1 हफ्ते में ख़त्म हो जाएगा अगर आप खुद बना के पीते रहें इसका बनाने का तरीका भी बता देता हूँ ठीक है लेमन स्क्वैश टाइप होने ला 1/2 किलो खंड खणंदी 1 कप पानी खणंदी उनके हल्की बाह से पचाईंदी तो 2 लीमे जहाँ स्लाइस कटिंग कर विझी छो इनके हल्की बाह से पचाईंदा रहो जैसे ऐसा चाश सफ़ा तैयार थे लगती दाणो ख़त्म थी वो तब पो इनमें लीमे जो रस मुनो कप लीमे जो रस खणजो यानी 1.5 कप का अद करी वो ठीक है 1 किलो में 1.5 कप खणंदा तो मुनो कप खंड लीमो विझी छो छाणे विझो
ऐं इनखे पचाईंदा रहिजो, स्पून हलाईंदा रहंदा, पतरो थी वेंदो। ठीकु आहे, पहिरीं ई घाटो हूंदो, लीमे सां गॾु ई पतलो थी वेंदो। हीउ लेमन स्क्वैश असांजो तयारु थींदो। 12 मिंट जो टाइम आहे टोटल इहो तयारु थियण जो। हाणे बिल्कुलु तयारु थी वियो आहे, मां चूल्हो बंदि करे छॾियो आहे। ठीकु आहे, बिल्कुलु तयारु हो गया चूल्हा, मैंने बंदि कर दिया है। और इसको मैं एक बॉल में निकाल रहा हूँ ताकि ये ठंडा हो जाए, चूल्हे से हटा देना है। ठीक है, इसको लेमन के स्लाइसेस साइड में कर लें और ये पूरा आपने स्क्वैश इसमें बॉल में, ये ठंडा होगा बिल्कुल, ये रेडी हो जाएगा। और ये बोतल में फिर आप भर के फ्रिज में रख दें, या बाहर भी रखेंगी तो ख़राब नहीं होगा, क्योंकि लेमन है इसमें तो ये वैसे भी ख़राब नहीं होता। इसका कलर देखें कितना खूबसूरत आया है। ये हमारा हो गया लेमन स्क्वैश तैयार। एक लीटर, अगर एक लीटर का बनाना चाहती हैं तो 1 किलो आपने चीनी लेनी है, 2 स्लाइस लेमन के डालने, 2 कप पानी डालना, उसको उसी तरह डिजॉल्व करना है। बड़े लेमन के स्लाइस 3 कर लीजिएगा फिर, और फिर उसमें आपने 1.5 कप लेमन का जूस डालना है। फिर इसी प्रोसेस से बना के ठंडा करके भरना है। ठीक है, अगर 1 किलो खंड जो ठाहींदो लेमन स्क्वैश, त हुन लाइ तव्हां 1 किलो खंड खणंदो, 2 कप पाणी खणंदो, 3 खां 4 कतला लीमे जा विझी छॾिजो स्लाइस में, हुनखे पचाइजो हुन तरीक़े सां जेको लीमे जो रस हिन में 1/4 कप विधो आहे, तव्हां 1.5 कप विझंदो 1 किलो खंड में। सेम प्रोसेस सां ठाहे हिनखे थधो कजो, बोतल में भरी पोइ रखी छॾिजो जेतिरो तव्हांखे हलाइणो हुजे। हाणे अचूं था चिकन ख़ासि। चिकन ख़ासि ड्रिंक बहुत ही अच्छी है। ठीक है, जब तक लेमन स्क्वैश हमारा ठंडा हो गया लास्ट में बनाएंगे। चिकन ख़ासि के लिए हमें क्या क्या चाहिए, सबसे पहले हम लेते हैं एक कढ़ाई, इसमें हम डालेंगे 1/2 कप पानी, 1/2 कप पानी। ठीक है, चूल्हो ऑन कयूं था। इनमें छा-छा शइ वेंदी हाणे ॿुधायां थो। 1 गंड बसर स्लाई बारीक कटिंग थियल आहे, 1 अदद प्याज कटिंग किया हुआ, 3 अदद सावा मिर्च, थूम जी 4 गणियूं हिन तरीक़े सां वॾियूं वारियूं, अगरि नंढियूं आहिनि त 8 खणी वठिजो। ठीक आहे, अदरक 1 इंच जो पीस खणिजो, जो स्लाइसिस करे हिनमें विझ छॾिजो। ठीक है, अब इसको बॉयल करना है। इसमें क्या क्या डाला है, चिकन ख़ास बन रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। इसके लिए हमने लेना है 1/2 कप पानी। 1/2 कप पानी जब पतीले में डालेंगे उसमें 1 दरमियाने साइज़ का प्याज डालेंगे, बहुत छोटा ना हो, दरमियाने साइज़ का। अदरक 1 इंच का टुकड़ा छील के पीसेस करके वो डाल देंगे। उसके साथ लहसुन के 4 से 6 जवे बारीक वाले, 6 से 8 डालें, बड़े जवे हैं चाइना के तो 4 या 5 डाल दें। 3 अदद हरी मिर्चें चॉप करके डाली हैं और इसको हम कवर करके 4 से 5 मिनट पकाएंगे ताकि ये अच्छे से गल जाए, फिर इसका बनाएंगे पेस्ट, जब तक ये हमारा बन रहा है। ठीक है, 1/2 कप पानी खणंदासीं, 1/2 कप पानी खयो, ऐं हिन में असां विझंदासीं 1 गंड बसर जी, 3 अदद सावा मिर्च, 4 खां 6 गणियूं थूम जूं, वॾियूं वारियूं आहिनि त 4 विझो, नंढियूं बारीक देसी आहिनि त 8 विझिजो। अदरक जो 1 इंच जो टुकड़ो छिले उहो विधो आहे, कवर करे हिनखे ॻरण लाइ रखी छॾिजो, जब सफ़ा ॻरियूं वेंदियूं हिनखे जूसर मशीन में असां पेस्ट ठाहे वठंदासीं। हुन खां पोइ चिकन खे मैरिनेट कंदासीं। ब्रेक पे जा रहे हैं, हल ठीक है, ब्रेक ते वञूं पिया। ठीक है, हम ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद आके रेसिपी कंटिन्यू करेंगे। अगर वठूं था शॉर्ट ब्रेक, ब्रेक खां पोइ कंटिन्यू कयूं। आज टाइम पर चिकन ख़ास, चिकन ख़ास बन रही शारजा कुकिंग ऑयल के साथ बनाएंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे 1/2 कप पानी लिया था, उसमें 1 अदद प्याज डाल दिया था कटिंग करके, 3 अदद हरी मिर्चें चॉप करके डाल दी थी, 4 से 6 जवे लहसुन के डालते, 1 इंच का टुकड़ा छील के टुकड़े करके अदरक का डाल दिया था। इसको कवर करके पकाएं, जब ये बिल्कुल गल जाएगा लहसुन वगैरह सब इसके अंदर, तो इसका पेस्ट बनाएंगे। उस दौरान हम चिकन को मैरिनेट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास पानी इसमें बहुत ज़्यादा है, 1/2 किलो चिकन है, चिकन का पानी निकाल के 1/2 किलो चिकन है। ठीक है, चिकन में हम क्या डालेंगे, चिकन है 1/2 किलो, इनमें विझंदासीं देगी लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च ऑप्शनल आहिनि, ना ही त हुनजे बग़ैर बि ठहींदी, लेकिन इनका कलर ख़ूबसूरत ईंदो आहे। देगी लाल मिर्च ऑप्शनल है, कलर ख़ूबसूरत आता है डिश का, मिल जाती है पिसी हुई लाल मिर्च, देगी लाल मिर्च ये नहीं है। तो फिर आपने कश्मीरी लाल मिर्च 2 लेनी है बड़ी वाली, इसको भिगो के रखें गर्म पानी में, इसका पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं। 1 चाय का चम्मच देगी लाल मिर्च, ज़ीरा पाउडर कुटा हुआ ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, अछो ज़ीरो कुटे में विझंदो 1 चाय जो चमचो, उन खां पोइ इनमें विझंदासीं हैड 1/2 चाय जो चमचो। ये चिकन मैरिनेट कर रहा हूँ, ठीक है,
अधु चाय जो चमचो हेड, अधु चाय जो चमचे का घट हसबे ज़रूरत लूँ, ठीक है। हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, एक चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, ठीक है, और ज़ीरा पाउडर एक चाय का चम्मच, दही इसमें जाएगा एक कप दही, दही को यहाँ पे बीट करेंगे, एक कप दही है, इसको थोड़ा फेंट के डालता हूँ बाउल में ताकि इसके लम्स ख़त्म हो जाए, ठीक है। एक कप दही, एक कप दही है, अध किलो का ट्रे पर जितनी चिकन खणंदो, अध चाय जो चमचो लूण, अध चाय जो चमचो हेड पीठल, ऐं गरम सॉरी अछो ज़ीरो पाउडर ठाहे छॾिजो, उहो हिकु चाय जो चमचो आहे, कश्मीरी ॻाढ़ा मिर्च हिकु चाय जो चमचो, दही इसमें चली गई एक कप, ठीक है। दही डालने के बाद इसको करेंगे मैरिनेट अच्छी तरह, चिकन को दही के साथ मैरिनेट करके आपने आधा घंटा रखना है, ठीक है। चिकन के मैरिनेट करे अधु कलाक रखबो, अधु किलो का ट्रे पर चिकन, एक कप दही फेटे विझो, उन सां गॾु अधु चाय जो चमचो हेड, अधु चाय जो चमचो लूण, एक चाय जो चमचो ज़ीरे जो पाउडर, एक चाय जो चमचो देगी ॻाढ़ा मिर्च, ठीक है। आधा किलो से तीन पाव चिकन, एक चाय का चम्मच देगी लाल मिर्च पिसी हुई सॉरी, और अगर ये नहीं तो कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। जी कॉल लेते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक। मैं तो समझ रही थी आज छुट्टी कर लेंगे आप। क्यों, आज कोई खास दिन है क्या? नहीं आज तो नहीं है, कर लेते हैं अच्छा। क्यों बदनाम कर रही हूँ, मुझे ऑन ईयर काम में बेचारा छुट्टियाँ करता हूँ। हाँ रमजानों से अब तक मैंगो सागुदाना। जी बहुत अच्छा बना, मैंने आज बनाया। अच्छा आपको पिक्चर। अच्छा खा लिया? हाँ आज मैंने वही खाया, आज मैंने खाना नहीं खाया। काफी हेवी और अच्छी डिश है, पेट भर जाता है ना उससे। हाँ उसे फ्रूट वगैरह भी डाले थे ना आपने, बहुत अच्छा। हाँ हाँ उसमें बनाना और मैंगो मिक्स करके डाला, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बना बहुत अच्छा, मैंने पिक्चर भेजी आपको, बस मैं आपको पिक्चर ही भेज सकती हूँ अभी फिलहाल। हाँ हाँ सही बात है। अच्छा ये डिश आप जो बना रहे हैं सर, अभी चिकन खास जी जी तो अच्छी रही है, लेकिन ये आप चावलों के साथ मतलब खा सकते हैं, किसके साथ सर्व करें? चावल के साथ ही ज्यादा अच्छी लगेगी, व्हाइट राइस के साथ और पराठे के साथ भी अच्छी लगती है, या नान जैसे होते हैं व्हाइट तिल वाले नान उसके साथ। मैं बनाऊंगी, अच्छा लग रही है आपने जो जो बॉईल किया ना, मतलब ये प्याज वगैरह जी जी बहुत अच्छा आएगा टेक्सचर, मैं बनाऊंगी जरूर, जरूर बताऊंगी फिर आपको कैसा रिजल्ट आया। ठीक है जरूर बनाइएगा, ठीक है, ओके थैंक यू। अच्छा यहाँ पे जो हमने सब्जी सॉरी प्याज हरी मिर्च और जो चीज़ें अदरक लहसुन थी उसको हमने यहाँ पे पेस्ट बना लिया। इहो पेस्ट ठाहे छॾंदो सफ़ा, एनएक्स का जूसर ब्लेंडर यूज़ कर रहा हूँ। एनएक्स हर घर की ज़रूरत, बेहतरीन प्रोडक्ट है, इससे आप बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, इसकी जूसर ब्लेंडर चॉपर हैंड बीटर हैंड मिक्सर वगैरह सब आप एनएक्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हाँ छा कंदासी, हाँ इतने असा कंदासी ऑयल गरम। अब हम लेंगे शारजा कुकिंग ऑयल, कितना 6-8 टेबल स्पून शारजा कुकिंग ऑयल, 6-8 टेबल स्पून, 6-8 खाने का चमचा शारजा कुकिंग ऑयल खाओ, ठीक है। ऑयल गरम होगा, इसमें हम क्या क्या चीज़ें डालेंगे, तेज़ पत्तों दालचीनी जायफल, और उसके साथ हम डाल देंगे 4 अदद लौंग, 10 से 12 अदद साबित काली मिर्च, ठीक है। सफ़ेद ज़ीरा हमारा इसमें जा चुका है पहले ऑलरेडी, तो सफ़ेद ज़ीरा इसमें नहीं जाएगा, ठीक है। तेज़पत्तों विधो जायफल विधि छड़ी और सॉरी जावित्री विझी छड़ी, ठीक है। पत्तियों जो होंगे जावित्री छड़ी, इनमें बखर टे पत्तियों अगर OP9 उनके बगैर भी ठाई वो, ठीक है। साबित कारा मिर्च हरी मिर्च से बहुत ज़्यादा हो रहा है, साबित कारा मिर्च 10-12 अदद, लौंग 4 अदद, ही जी भगार ठंडो, जैसे ही भगार बनेगा तो ये जो पेस्ट हमने बनाया था ये इसके अंदर डालेंगे और इसको भूनना शुरू करेंगे, ठीक है।
पेस्ट जो मैंने बनाया था ये पूरा इसके अंदर जाएगा। जब भगार बनेगा उसके बाद इसमें ये पूरा पेस्ट आपने डाल देना है, ठीक है। पेस्ट डाल के इसको भूने, और जो जग में रह गया थोड़ा सा पानी डाल के इसको मिक्स करके निकाल लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा पानी डाल दें, 4 टेबल स्पून जितना, इसके अंदर चला गया। थोड़ा इसमें भी पानी 1-2 स्पून डाल देता हूँ ताकि पेस्ट हमारा ज़ाया ना हो, ठीक है। कोई बात नहीं, 1/2 कप जितना पानी भी चला जाए तो ये ड्राई हो जाएगा। अब इसको हमने अच्छा सा फ्राई करना है, ठीक है। चंगी तरह के फ्राई करना से बहुत मज़े की ये डिश बनती है, इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है। इसलिए मैं बार बार जब बोलता हूँ ट्राई करना है तो किया करें, रेसिपी बहुत अच्छी बनती है, ठीक है। ये डिफरेंट तरीके से बन रही है। अब जब आप देखेंगे इसका पानी ड्राई होने लगेगा, इसमें हम डाल देंगे टमाटर का पेस्ट। 2 अदर टमाटर छिलके हटा के जूसर मशीन में इसका पेस्ट बना लें, ठीक है। 2 अदर टमाटर इन जो छिलको हटाने का पोत जो जूसर मशीन में पेस्ट ठाई छो, ये मुझे दे दें वॉश करके, ठीक है। जैसे आप देखेंगे प्याज हमने इसमें पेस्ट डाला, इसका पानी डाल रहा है, तो अब यहाँ पे 2 अदर टमाटर का पेस्ट डाल दिया, ठीक है। 2 अदर टमाटर को छील के उसका जूसर मशीन में पेस्ट बनाया, ठीक है। 2 अदर टमाटर के छिले चढ़ जो गाढ़ा टमाटर हो जाए, जो जूसर मशीन में गैर पानी जो कतला जूसर मशीन में हिलाएं, ठीक है। ये टमाटर पेस्ट जाएगा, इसको करेंगे मिक्स। जब इसमें आने लगेगी बॉयलिंग सॉरी तो इसमें हमने क्या डालना है, इसमें हमने डालने हैं मसाले। जब आप देखेंगे इसमें आएगी बॉयलिंग, इसमें हम डालेंगे पिसी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, पीठल गाढ़ा मिर्च 1 चाय जो चम्मचो, हेड 1/2 चाय जो चम्मचो हिन में विधी हुई चिकन जी मैरिनेशन में 1/2 चाय जो चम्मचो असा हेड इतने विझंदासीं, ठीक है। हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून चिकन की मैरिनेशन में डाली थी, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ, ठीक है। अब डालेंगे धनिया पाउडर 2 चाय के चम्मच, पीठल धाणा 1/2 चाय जो चम्मच, लूण 1/2 चाय जो चम्मचो विधो इतने 1/2 चाय जो चम्मच का घट फोर टेस्ट विझंदासीं वधीक ना थी वने, 1 चाय जो चम्मचो कुटियल गाढ़ा मिर्च, गरम मसालो पाउडर हाली मुना विधो है, ठीक है। पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर 1/2 चाय का चम्मच क्योंकि हल्दी पाउडर चिकन में भी डला हुआ है मैरिनेशन में, तो यहाँ पे 1/2 चाय का चम्मच डाला है। नमक 1/4 चाय का चम्मच क्योंकि वहाँ 1/2 टीस्पून हमने चिकन में डाला, तो यहाँ नमक की क्वांटिटी बिल्कुल कम रखेंगे, ज़्यादा ना हो, कम हो गई तो हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और धनिया पाउडर 2 चाय के चम्मच। उसके बाद इस मसाले को भूनना है अच्छा सा, जब इसका ऑयल ऊपर आने लगेगा फिर ये जो मैरिनेट किया हुआ चिकन है ये इसके अंदर चला जाएगा, ठीक है। इनके चंगी तरह चमचो हलाइंदा रहे जो जडे टमाटर जो बसर जो पेस्ट जो पानी ये सब खुश्क थी वो ऑयल मथे अचान लगन जो जो मैरिनेट कर चिकन रखे वो इनके अंदर विझंदी, ठीक है। अब इसको कवर कर रहा हूँ ताकि ये अच्छा सा पक जाए, जिसका पानी ड्राई हो जाए, उसके बाद हम इसमें डालेंगे जो मैरिनेट किया हुआ है चिकन वो चला जाएगा, दही के साथ जो मैरिनेट करके रखा है वो चिकन इसमें चला जाएगा, ठीक है। बड़ी मज़ेदार ये रेसिपी है, डिफरेंट किस्म की, पूरे रेसिपी रिपीट कराता हूँ। चिकन खास बन रहा है, इसके लिए हमने लेना है पहले सबसे पहले पैन में कढ़ाई में 1/2 कप पानी, 1 अदद प्याज, 2 से 3 अदद हरी मिर्चें कटिंग करके डालें, 1 अदद प्याज कटिंग करके डालें 1/2 कप पानी के साथ, फिर अदरक 4 जवे और 1 इंच का अदरक 1 इंच का टुकड़ा छील के पीसेस करके डालें, लहसुन 4 जवे डालें, उसको आपने बॉयल करना है, जब वो गल जाए अदरक लहसुन प्याज उसको पेस्ट बना के साइड में रख लें। फिर ऑयल गरम किया था, ठीक है। ऑयल गरम करके उसमें हमने क्या डाला, 4 अदद लौंग, 6 से 8 अदद साबित काली मिर्च, 1 से 2 अदद तेज पत्ता, 1 दालचीनी की स्टिक डाल दी थी और जावित्री की स्टिक्स डाल दें अगर हैं तो, ठीक है। इसको थोड़ा सा भूनें, उसके बाद प्याज का पेस्ट डाल दें, जब भगार आ जाए प्याज का जो हमने पेस्ट बना के जूसर में रखा था वो पूरा डाल दें, पानी थोड़ा मिला के भले डाल दें। 2 अदर टमाटर लें, उसके छिलका हटा के उसका पेस्ट बना के वो डाल दें, फिर उसको भूने, जब टमाटर का पानी खुश्क होने लगेगा उसमें पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर 1/2 चाय का चम्मच, नमक 1/2 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 2 चाय के चम्मच डाल के भूनते रहें, जब मसाला बिल्कुल पानी ऑयल छोड़ देगा फिर मैरिनेटेड चिकन डालेंगे। मैरिनेटेड चिकन में हमने क्या डाला है,
आधा किलो से तीन पाव जितनी चिकन है बोटियाँ बनी हुई हैं, ठीक है। उसमें कश्मीरी लाल मिर्च है एक चाय का चम्मच, अगर कश्मीरी लाल मिर्च नहीं तो इसके बगैर भी बना सकते हैं, पेपरिका पाउडर तो वो भी डाल सकते हैं। नमक आधा चाय का चम्मच है और ज़ीरा पाउडर बना के इसमें एक चाय का चम्मच डाल दिया था, और दही डाल दी मैंने एक कप बीट करके, और इसको और हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, मैरिनेट करके आधा घंटा रखा। ये जब ऑयल ऊपर आएगा चिकन में मसाले में हमने चिकन डाल देना। हाँ देखो ज़बरदस्त मसालों थे फ्राई थे पे ऑयल मत चाहिए, ठीक है। हाँ ऐसा कहसी जो चिकन मैरिनेट कर रखी हुई ये सदी इंजे अंदर विझंदी, ठीक है। जो चिकन मैरिनेट करके रखी थी ये पूरी इसके अंदर डाल देंगे दही के साथ, इसको करेंगे मिक्स, ठीक है। ये है चिकन खास डिफरेंट रेसिपी है और बहुत ही मज़े की बनती है। इसको आप वाइट राइस के साथ खाएं, इसको आप पराठे के साथ खाएं, गेस्ट आते हैं उनके लिए बना के रखें, और डिफरेंट सी ये रेसिपी है। और जितनी दही मैं मैरिनेट की चिकन की थी वो जितनी दही है वो सब उतार के इसके अंदर डालेंगे। रेसिपी मैं जी पूरी कराएं तो रिपीट मतलब तक समझना आई हुए सभी का पहली चिकन खणजो अध किलो का ट्रे पा उनमें एक कप दही विझो, कश्मीरी गाढ़ा मिर्च जो देगी गाढ़ा मिर्च होता है वो मिली वन पाउडर फॉर्म में, तो वो एक चाय जो चमचो विझो ना ही पंज बगैर भी ठही वी, अध चाय जो चमचो पीठल हाइट, एक चाय जो चमचो अच्छो जीरो पाउडर ठही विझो, अध चाय जो चमचो इनमें लूण विझो, इनके चिकन के अध चाय जो चमचो हाइट विझो, चिकन के मिक्स कर मसाले दही से गुड अध कलाक रखी छो, ठीक है। उनका पोए बसर खणजो एक गंढ पे अध कप पानी विझो पतीले में, एक गंढ बसर खणजो उनमें विझो, एक कप बसर ऑयल लग गया, एक कप बसर विझण का एक कप अध कप पानी में एक गंढ बसर विझो, टे अध सावा मिर्च विझो कटिंग करे, अदरक एक इंच जो टुकड़ो उनमें विझो कटिंग करे, थूम जी छह का चार का छह गणियों विझी छो, ठीक है। उनका पो उनके कवर करे पचाए जो जैसे पानी में गरी वो उनके कढ़ी पेस्ट ठाई जो जूसर मशीन में साइड में रख जो अध कप यानी छह खाने का चमचा या अठ खाने का चमचा ऑयल गरम कर शारजा कुकिंग ऑयल, उनमें चार अदद लौंग विधी, अठ का दह अदद साबित कारा मिर्च विधा, एक अदद तेज पत्तो विधो, एक दारचीनी विधी, जावेत्री जी डंडियों आन तो वो भी विछ जो टे अदद दाग ठो, उनका पो बसर जो पेस्ट उनमें भी छो, बसर जो पेस्ट विझी उनके ब मिनट पचाए जो, उनका पो टमाटा बद छिलका हटाए जो जूसर मशीन में पेस्ट ठाई छो वो भी छो ब मिनट पचाए जो, ऑयल मथे अचण लगन तो उनमें पीठल गाढ़ा मिर्च एक चाय जो चमचो, कुटियल गाढ़ा मिर्च एक चाय जो चमचो, हेड अध चाय जो चमचो, पीठल धाणा ब चाय जो चमचा, लूण अध चाय जो चमचे का घट जी एक मिनट रुक जाए, अध चाय जो चमचे का घट लूण विझंदी लूण अस चिकन में विधो, मसालो भुजंदी ऑयल मथे अच्छे जो मैरिनेट कर दही में चिकन रखी हुई मैं अंदर मिक्स कर छी है, ब मिनट भुजन का इनके कवर क्या पो हल्की बाहे से वी पंद्रह का वी मिनट इनके पचन दिंदी, ठीक है। कवर कर दिया मैंने इसको, चिकन को मिक्स किया है, अब ब्रेक पे जा रहे हैं और इसको 15 से 20 मिनट पकने देना है, ये तैयार हो जाएगा। एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपके कंटिन्यू करते हैं। दिल चाहे और क्या शारजा, शारजा वनस्पति घी, शारजा कुकिंग ऑयल, विटामिन ए या डी का भरपूर, लो कोलेस्ट्रॉल है, ओमेगा थ्री मौजूद है, तमाम बेहतरीन कुकिंग ऑयल एंड में खादा तमाम सुठा ठंडा अज अस ठाई पर चिकन खास, चिकन खास की रेसिपी इतने कवर कर छोड़ा, चिकन विझी 5 मिनट उनके भुजंदी दही से गड दही वाली चिकन, उनका कवर कर हाँ इनमें पानी ना विझो, ठीक है। अगर तक जरूरत लगे पानी की तो अध कप विझो, मां इनमें पानी ना विधो, ठीक है। मैंने इसमें पानी नहीं डाला क्योंकि दही का पानी इसमें है, चिकन उसी में गल जाएगी। पहले चिकन डाल के आपने 3-4 मिनट भूनना है, उसके बाद पहले डायरेक्ट कच्ची नहीं डाल दिए। अब हल्की आंच पे इसको पकने गए थे। अब आते हैं हमने जो स्क्वैश बनाया था जिसके लिए हमने हाफ किलो आधा किलो चीनी ली थी, एक कप पानी लिया था, 2 स्लाइस लेमन के डाल के उसको शीरे की तरह डिजॉल्व किया था। जब वो डिजॉल्व होने लगेगी तो उसमें 1/4 कप हमने लेमन का फ्रेश जूस डाला था, उसको 12 मिनट पकाना है। जब वो अच्छी सा बॉयलिंग हो जाएगी ये लेमन स्क्वैश आपका तैयार हो गया, ठीक है। इसको बनाता हूँ दो तरीक़ों से, इन्हें लेमन स्क्वैश तरीको बताई तो छा, अध किलो खंड खाई, एक कप पानी खाओं, उनमें बीमे जो स्लाइस विधा उनके हल्की बाहे से बचाओ, जैसे खंड सफ़ा गरी वही बॉयलिंग अच्छा लगे, पो मुनो कप उनमें असा विधो लीमे जो रस वो विझी उनके 12 मिनट पचाने हल्की बाहे से, बिल्कुल लेमन स्क्वैश क्लियर थी तैयार थी वही, ही जमंदो कौन 12 मिनट पचाने का चाहते हो, ये चाश जमंदी कौन है, तमाम सुठे तरीके से तैयार थी वही, इनके थदो करी बोतल में भरी रखी छो।
बिन तरीकन से ठाई था, ठीक है। दो तरीकों से बनाते हैं। एक ड्रिंक बनाते हैं सिंपल, इसमें डालते हैं आइस क्यूब्स, ठीक है, और इसमें हम डालेंगे लेमन स्क्वैश जो तैयार किया हुआ है, ये मैं डालूँगा 4 टेबल स्पून, ठीक है। ये बोतल में भर के आप रखेंगे, उसके बाद आप बनाएंगे। 4 टेबल स्पून लेमन स्क्वैश चला गया, अगर कम लगे तो 1 टेबल स्पून आप और बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब इसमें डालेंगे पानी, ठंडा पानी डालिएगा, थदो पानी भी जो, ठीक है। हिंसा गरीन में विजंदा सी अच्छो जीरो भुनियल कुटियल चौथों चाय जो चमचो 1/4 टीस्पून भुना कुटा हुआ जीरा, बिल्कुल 2 पिंच इसमें डाल देंगे काली मिर्च, 2 चुटकी कारी मिर्च, आई 1/4 चाय जो चमचो कारो लूण, काला नमक 1/4 टीस्पून, ठीक है। ये डाल के इसको हमने करना है डिसॉल्व। बहुत मज़े की ये ड्रिंक बनेगी, एक योगर्ट ड्रिंक, ठीक है। लेमन स्क्वैश का ड्रिंक ठाएँ पे हो, सादो भी पी सको तो इसको सादा भी पी सकते हैं, लेकिन ये मज़ेदार बना रहा हूँ। 1/4 टीस्पून आपने इसमें नमक डाला काला, थोड़ा सा 1 पिंच काली मिर्च डाल दी, और 1/4 चाय का चम्मच इसमें सफ़ेद ज़ीरा भुना कुटा डाला, बर्फ़ डाली, पानी डाला, और 4 खाने के चम्मच आपने ये डाल दिया लेमन स्क्वैश। एक ड्रिंक ये हो गई, ठीक है। दूसरी ड्रिंक हम बनाएंगे जूसर में, एनेक्स के जूसर में। ये भी बहुत मज़े की ड्रिंक है। 3 तरीके की मैं ड्रिंक्स बना रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग बना सकें अपनी मर्ज़ी से। इनमें भी जंदा सी पुदीने का पत्ता, पुदीने के पत्ते कितने 8 से 10 अदद पुदीने के पत्ते डाल दिए, 1 गिलास से 1.5 गिलास बनेगा, ठीक है। पुदीने के पत्ते डालने के बाद इसमें भी डाल देंगे आइस क्यूब्स, थोड़े से, ज़्यादा नहीं डाल रहा हूँ, ठीक है। इसमें सफ़ेद ज़ीरा भुना कुटा हुआ जाएगा 1/4 चाय का चम्मच, और काला नमक भी हसबे ज़रूरत 1/4 टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा डाल रहा हूँ, 1 गिलास का बता रहा हूँ, ठीक है। 1/4 चाय जो चमचो कारो लूण, इनमें विझंदासीं का भी सोडा ड्रिंक, ही मोट येलो अची वही है, लेकिन वाइट वाली सोडा ड्रिंक तुम विझंदो, वाइट सोडा ड्रिंक डालेंगे 1/2, ज़्यादा नहीं डालेंगे, बाकी हम बाद में मिलाएंगे। थोड़ा सा पानी इसमें ठंडा 1/2 कप, ठीक है, और इसको करेंगे ब्लेंड। अच्छी तरह इसको ब्लेंड करना है, बहुत अच्छा सा इसको ब्लेंड करना है, ठीक है। चंगी तरह ब्लेंड करें, हिंजे अंदर वापस जो ड्रिंक आए रिकार्ड, जो ये ड्रिंक जो बची हुई है ये मैंने इसमें पूरी मिला दी, ठीक है। ड्रिंक मिलाने के बाद इसको करेंगे मिक्स, अच्छी तरह मिक्स करें। मिंट का इसके अंदर फ्लेवर आ गया है, बहुत अच्छा सा, ठीक है। ड्रिंक के साथ अब इसको हमने डाल देना है अच्छे से ग्लास में, वाइट सोडा डाली हुई है, हाजमे के लिए बड़ी ज़बरदस्त ये ड्रिंक है। ये हो गई 2 ड्रिंक्स तैयार, ठीक है। कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा एक ड्रिंक और बनाते हैं, 2 ड्रिंक्स ठाई छोड़ी तुम्हें सामू, ढी मज़ेदार ड्रिंक्स हैं, इनके ज़रूर तुम ट्राई करो, डिफरेंट तरीक़न से सिखा रहा पे हो, ठीक है। ये स्क्वैश से ही हम बना रहे हैं, इसमें भी हम डालेंगे आइस क्यूब्स, ठीक है। इसमें हम डाल देंगे लेमन स्क्वैश, फिर इसमें हम डाल ठंडा पानी, ये नॉर्मल है, ठीक है। इसमें हमने कुछ नहीं मिलाया, बस इसको मिक्स करेंगे। दोबारा रिपीट करा रहा हूँ, हे जेका असा ठाई है तां दिस सको ता इनला असा खंदा से एकड़ी काई भी सो वाइट वाली सोडा जो बोतल पे है, अच्छे कलर जी पीली जो भी तक सुठी लगे वो खई, ठीक है। अब बर्फ भी छो, 1/2 कप जूसर मशीन में 6 का 8 या 10 पत्ता पुदीने जो भी छो, कारो लूण इनमें 1/2 चाय जो चमचे जो भी 1/2 विझो, अच्छो जीरो भुनियल कुटियल भी 1/2 चाय जो चमचे जो 1/2 विधो इनके, और जो ड्रिंक खोलंदी सोडा वाली 1/2 विझी, थोड़ो सो पानी इनमें विझी, हाँ इनके ब्लेंड कजो 2 मिनट ब्लेंड करने का, वापस जो बोतल बची हुई वो इनके अंदर मिलाई छी, इनके मिक्स कर डिश आउट ग्लास में कटी छी, ठीक है। ये जो ड्रिंक मैंने बनाई है इसके लिए मैंने 1 वाइट सोडा ले ली है, नॉर्मल बॉटल लेनी है,
आइस क्यूब्स डाल दें हाफ कप जितने जूसर मशीन में, उसमें पुदीने के पत्ते आपने डाल देने हैं कितने 10 से 12 या 8 अदर जितने आपको अच्छे लगे। क्वार्टर टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा भुना कुटा, क्वार्टर टी स्पून आपने काला नमक डालना है और सोडा वाटर आधा डालना है, थोड़ा सा पानी डालना चाहें तो डाल दें, ब्लेंड करें, फिर उसमें सोडा वाटर डाल के मिक्स करें और उसको आपने निकाल देना है। ये मैंने बनाई थी, इसमें हमने आइस क्यूब्स डाले, ठीक है, इसमें 4 to 6 और इसमें हाँ इसमें भी हमने लेमन स्क्वैश डाला है, लेमन स्क्वैश इनमें भी विझणवा 4 का 5 चम्मच, ठीक है, जो बगैर ना टाइजो। इसमें जो सादा बनाया है ज़ीरे वाला, इसमें हमने लेना है बर्फ़, 2 से 3-4 क्यूब्स बर्फ़ के डाल दें, 4 to 5 टेबल स्पून लेमन स्क्वैश डाल दिया, उसके साथ काला ज़ीरा भुना कुटा हुआ थोड़ा सा डालना है, 1 चुटकी काली मिर्च डाल देनी है और थोड़ा सा इसमें काला नमक डाल के डिज़ोल्व करके निकाल दें। लेमन स्क्वैश 4 खाने चम्मच, बर्फ़ वेजी जो इनमें अजवे ज़रूरत हो अगर थोड़ो अच्छो ज़ीरो भुनियल कुटियल अध चाय जो चमचे जो भी अध, थोड़ो 1 चुटकी कारा मिर्च, अध चाय जो चमचे जो भी अध, इनमें थोड़ो सो विझंदो कारो लूण, इनके बर्फ़ में मिक्स कजो। हे ठाहियो आहे लेमन स्क्वैश, इनमें विधो 4 खाने चम्मच या 5 खाने चम्मच बर्फ़ विधी ऐं सादो थधो पाणी विझी इनखे डिज़ोल्व करे छॾियो, ठीक है। 3 तरह की मैंने ड्रिंक्स बनाई और जो लेमन स्क्वैश बना के रखा हुआ है उसको आपने बॉटल में भर के और उसको आपने रखना ही काफ़ी दिन तक, आप 1-6 महीने तक भी आप चला सकते हैं, ठीक है। ये 3 तरह की मैंने ड्रिंक्स बनाई है ताकि आप लोग देख सकें और बना सकें इस तरह। अब आते हैं, हमारी हो गई है ड्रिंक तैयार, चिकन तैयार, चिकन खास, ये ऑयल मथे अची वही ज़बरदस्त असा चिकन खास तैयार थी वही। चिकन खास को बिल्कुल जैसे जी रुखसाना ज़ैदी हैं और हरा धनिया इसमें डाल रहा हूँ 4 टेबल स्पून और हरी मिर्चें मैंने इसमें 2 अदर चॉप करके डाली, मिक्स करके डिश आउट करता हूँ। गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून आखिर में जाएगा, अध चाय जो चमचो गरम मसाला पाउडर आखिर में, सावा धाना थोड़ा विझ जो अध कप जितना, आई सावा मिर्च विझी मिक्स किया था। रुखसाना ज़ैदी हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? जी जी बहुत अच्छी थी, बहुत जबरदस्त और बहुत अच्छा, मैंने बहुत अच्छी थी, अच्छा लगा मुझे ना, ठीक है। और आज लेमन का जो आप बना रहे हैं शरबत तरह तरह के, वो बहुत ही अच्छा बहुत जबरदस्त है लेमन स्क्वैश, लेमन स्क्वैश अच्छा अच्छा जबरदस्त, उसको भी वो भी इसी तरह खीरे में पहले पानी के अंदर, वो अभी बताए नहीं आपको मैं, सुनिए आप अभी बताए नहीं, मैं आपको बुलाने वाला हूँ, आप यहाँ के बनाएंगी, डिफरेंट है, बहुत अच्छा लग रहा है, इसके नाम से ही ना, तो ये आप यहाँ पे आके बनाएगा, ठीक है, इंशाल्लाह रखते हैं चल, ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ जी। ठीक है, ये हमारी हो गई रेसिपी तैयार, ठीक है, चिकन खास और थोड़ी सी हरे मिर्च उसके ऊपर चॉप कर के डाल दी, अदरक डालना चाहें तो डालें, मैंने नहीं डाली, ये बस बिल्कुल डिफरेंट सी रेसिपी है चिकन खास, और उसके साथ हमने बना दी है ड्रिंक्स लेमन स्क्वैश, ठीक है। कल ये 12 बजे रिपीट चलेगा, कुकिंग विद शेफ ऐसा मेरा पेज है फेसबुक पे, हमारी रेसिपी अपलोड हो जाएगी, वीडियो देखने के लिए सर्च करें सिंध टीवी HD कुकिंग शो या कुकिंग विद फैसल यूट्यूब पे सर्च करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएगा, आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, कल की रेसिपी बड़ी मज़ेदार होगी, डिफरेंट किस्म की रेसिपी बनाएंगे, कोई ड्रिंक बनाएंगे, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। सुभाणे 12 बजे रिपीट हलंदो, कुकिंग विद शेफ ऐसा मुझे पेज है फेसबुक ते, उते रेसिपी अपलोड थी वेंदी आहे, ऐं वीडियो ॾिसण लाइ यूट्यूब ते सर्च कयो कुकिंग विद फैसल, उनके सब्सक्राइब कजो, गाढ़ो बटन दबाइजो, बेल आइकन नंढी बेल हूँ दबाइजो, लेटेस्ट अपडेट मिलंदा, इंशाल्लाह सुभाणे वाली मुलाकात थींदी, दुआ में याद रखिजो, अल्लाह हाफिज़। Thank you.
हाणे कुकिंग विद फैसल जा तमाम शो ॾिसो HD क्वालिटी में। विज़िट करियो असांजो YouTube चैनल सिन टीवी HD कुकिंग शो।